नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश देसाई और हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पुणे के इस्कॉन मंदिर के पास, तो चलिए देखते हैं इस्कॉन मंदिर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलना। यह मंदिर पुणे के कोंधवा इलाके में स्थित है, जो कि स्वारगेट से लगभग 8 किलोमीटर और पुणे रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। आप सामने देख सकते हैं कृष्णा की मूर्ति कालिया पर नाचते हुए, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इस मंदिर का उद्घाटन 23 फरवरी 2013 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। इस्कॉन संस्था एक बहुत ही बड़ी संस्था है, जिनके मंदिर देश विदेश के हर शहर में आपको मिलेंगे। जिन दर्शकों के लिए इस्कॉन का फुल फॉर्म पता नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं, इस्कॉन का पूरा फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन संस्था भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता का संदेश पूरे दुनिया में पहुंचाते हैं। इस संस्था की शुरुआत भक्तिवेदांत स्वामी श्री श्रीला प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क में किया था। स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके पश्चिम देशों में भगवद गीता का संदेश पहुंचाया। आप देख सकते हैं स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी, जिनके दर्शन मात्र से ही मन को शांति मिलती है। तो चलिए आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के दीवारों पर चित्रों के द्वारा कुछ कहानियां दर्शाई हुई हैं। यह है बाल ध्रुव की कहानी। यह है भक्त प्रह्लाद की कहानी। मंदिर के पीछे भगवान श्री वेंकटेश्वरा का मंदिर है, तो चलिए वहाँ पे हम दर्शन करते हैं। यह है प्रवेश द्वार। अब हम प्रवेश द्वार से अंदर हम जाते हैं।
तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।